तो हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटासी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसलिना और रोमा बंगला मॉर्निंग सन के बीच खेले जाने वाले दोस्तों आज के ECS रोम T10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों रोम T10 का मैच नंबर 47वां खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बात करेंगे दोस्तों उन इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के बारे में जिन्हें आपको अपनी टीम में रखना है, और बात करेंगे आपके इम्पोर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में करके चलना है दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम से बिल्कुल नहीं जुड़े हो तो जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे ही दोस्तों आपको मिलेंगे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जैसे कि टॉस एंड लाइनअप के, और यहाँ पे दोस्तों कोई भी नया प्लेयर्स अगर खेले तो उसके रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पे मेरी टीम भी दे दूंगा, जहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा बहुत आप चेंजेस करोगे तो खुद की एक अच्छी टीम बना सकते हो। तो मेरी फाइनल टीम भी जो रहेगी ना, मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और कमेंट सेक्शन में दे दिया हूँ, दोनों जगह है टेलीग्राम चैनल का। आप लोग जाओ और फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, बात करें मैच के बारे में। तो दोस्तों, मैच नंबर 47वां इस ECS रोम T10 का खेला जाएगा CAS और RBMS के बीच दोस्तों, और ये मैच स्टार्ट होगा 12:45 में। वेदर की बात करें तो रेन के चांस नहीं रहेंगे। वेन्यू रहेगा दोस्तों रोमा क्रिकेट ग्राउंड, रोम इटली का। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो एक बैलेंस सरफेस यहां पे आपको देखने को मिलेगा। इस वेन्यू पे अभी तक लास्ट 46 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 26 मैच, बैटिंग सेकेंड ने यहाँ पर 20 मैच विन किया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दोनों टीमों के बीच में अभी तक एक भी मैच खेला नहीं गया है दोस्तों। एवरेज स्कोर आपको 80+ ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। और बात करें दोस्तों टीम CAS मतलब कैसलिना के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों इनके प्लेइंग 11 के बारे में बात करने से पहले ये जान लें कि इनकी टीम ने 8 मैच अभी तक खेला है, जिसमें दोस्तों एक ही मैच ये विन की है और 7 मैच लॉस करके आ रही है। तो कैसलिना की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट दोस्तों इसके बॉलर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तब। तो ये मैच अच्छा है ग्रैंड लीग के लिए भी खेलने के लिए आप लोग के लिए। यहाँ से ओपन करते हैं इंडिका सेन और उनके साथ दोस्तों हर्षा पुलुन आपको मोस्ट प्रोबेबली ओपन करते दिखेंगे। इंडिका सेन का क्या है, 2 ओवर की बॉलिंग करता है साथ ही ओपनिंग। इनकी टीम का एक ही अच्छा प्लेयर है जो कंसिस्टेंट आपके लिए परफॉर्म करके दे रहा है, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको परफॉर्मेंस करके देता है। तो बिल्कुल लेकर के चलेंगे इंडिका सेन, आपकी टीम में होना चाहिए। वाइस कैप्टनसी देना चाहो तो बिल्कुल इसको वाइस कैप्टनसी आज के मैच में देकर के चलना, एक ऑप्शन रखना। हर्षा पुलून है, ये भी दोस्तों लास्ट के 2 मैच खेला, जिसमें 1 मैच में 11 रन + 1 विकेट 2 ओवर डाल के, 1 मैच में 8 रन + 0 विकेट 2 ओवर डाल के, तो ये भी खेलेगा तो 2 ओवर की बॉलिंग तो आपको करा करके ही देगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना, और खेलेगा तो अपनी टीम में लेकर के चलना। उसके बाद दोस्तों आर उमायंगा हैं, जिनका देख सकते हो हर मैच में 1 से 2 ओवर की बॉलिंग अब फिक्स हो चुकी है। स्टार्टिंग के मैच में ही बॉलिंग नहीं किया था, उसके बाद कंटिन्यू ये बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहा है। तो बिल्कुल इसको भी लेकर के चलेंगे, एक अच्छा प्रेफरेंस रहेगा आपकी टीम के लिए। तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करना आज के मैच में दोस्तों। वाइस कैप्टनसी देना चाहो तो इसको दे सकते हो, क्योंकि एक हीटर प्लेयर है, हीटिंग भी अच्छा कर सकता है। हालांकि लास्ट के 2 मैचेस में अच्छा खासा हीटिंग नहीं किया, लेकिन उससे पहले 34 नॉट आउट, 21 और 14 नॉट आउट की इनिंग भी आप देख सकते हो दोस्तों। तो टीम में होना चाहिए, प्लेयर तो अच्छा है। उसके बाद दोस्तों थराका पोरुतो तगे हैं, ये भी 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करेगा आपके लिए, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। साथ ही दोस्तों कुछ रन्स भी आपको करके देगा और बॉलिंग से भी पॉइंट्स देगा, तो बिल्कुल इसको भी लेकर के चलेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद दोस्तों ए मन्निका रगमे हैं, ये लास्ट मैच में दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग किया था, लेकिन दोस्तों उतना मुझे उसका अच्छा खासा बॉलिंग नहीं लगा इसका, तो ड्रॉप करके चल सकते हो। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि बैटिंग से थोड़ा बहुत रन्स कर दे तो आप लेकर के चल सकते हो, वरना मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा इसको। चेरा नयनता है, इनको ड्रॉप करके चलूँगा दोस्तों। अगर मुझे लगा कि फर्स्ट इनकी बॉलिंग है और इनको बॉलिंग मिल सकता है तब देख लेंगे, बाकी दोस्तों अभी के लिए तो मैं इसको प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। बाकी दोस्तों नीचे के प्लेयर्स जो हैं ये भी उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अगर संपत ककन्ना गमे हैं, इनको देख सकते हो, इनको अगर मौका मिलेगा तो शायद ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 1 मैच में दोस्तों 1 ओवर डाल के 2 विकेट भी इन्होंने लिया था। तो GL के अंदर आप चाहो तो देख सकते हो इनको, कभी भी टीम इनको मौका दे देता है। बाकी दोस्तों और प्लेयर जो हैं यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो यहाँ से प्लेयर आज अपनी टीम में लेकर के चलोगे उसमें इंडिका सेन है, हर्षा पलून है, और दोस्तों यहाँ से आर उमायंगा हैं, थारका पोर्तो तगे हैं, इनको लेकर के चलना ही चलना है आप लोगों को। तो ये 4 प्लेयर को तो अभी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, बाकी आप अपने तरफ से
आप प्लेयर्स देख सकते हो दोस्तों, मैं तो चार ही लेकर के चलूँगा। बाकी इनके बेंच में देख सकते हो थिनुसा सहनका है, ये प्लेयर खेलेगा तो बिल्कुल लेकर के चलना, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा है इसका। सुधारा कालू अर्चा चीगे हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, अगर खेलेगा तो इसको भी टीम बॉलिंग के लिए प्रेफरेंस देता है दोस्तों। बाकी के प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप देख सकते हो, अगर इनमें से कोई भी खेले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों इनके स्टार्टिंग के ओवर की, तो इंडिका सेन है, थाराका पुरुतो तगे हैं, डेथ ओवर्स की बात करें तो आर उमांग्या हैं और हर्षा पुलून है दोस्तों, ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते दिखेंगे। आगे बात करें दोस्तों टीम आरबीएमएस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो रोमा बंगला मॉर्निंग सन्स की तरफ से दोस्तों शरीफ रेहान है और अनिक अहमद है, ये दोनों आपको मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करते दिखेंगे। शरीफ रेहान का देख सकते हो दोस्तों इस सीरीज़ में परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया लगा मुझे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं, वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन टीसीएस रोम टीटन। तो दोस्तों रोम टीटन के एक बढ़िया बैट्समैन है, हर मैच में लगभग दोस्तों अच्छा खासा इनिंग खेल करके ही जाते हैं, तो बिल्कुल इनको अपनी टीम में लेकर के चलना। कभी कभी बॉलिंग भी कराते हैं जैसे कि वाले मैच लास्ट मैच में किया था दोस्तों। तो कैप्टन तो 50% लोगों का ही रहेगा ये, ठीक है, आप भी अपनी टीम में इसको कैप्टनसी करके चल सकते हो। अनिक अहमद एक अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर जो कि दोस्तों ओपनिंग के साथ साथ आपको दो ओवर की बॉलिंग भी करता हुआ दिखेगा, तो बिल्कुल लेकर के चलो दोस्तों। सीवीसी का भी ये भी दावेदार रहने वाला है आज के मैच में, तो बिल्कुल लेकर के चलना। और इनकी टीम अगर पहले बॉलिंग करे तो अनिक अहमद को ही कैप्टनसी देकर के चल सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों मोहसिन अहमद हैं, मोहसिन अहमद भी एक अच्छा प्लेयर है जो कि दोस्तों हिटर प्लेयर है और अच्छा खासा ये रन्स स्कोर करके दे सकता है, साथ ही कभी कभी ये बॉलिंग करने भी आ जाता है, तो एक से दो ओवर की बॉलिंग इसकी भी हो सकती है इसको टीम दे दे, तो बिल्कुल इसको लेकर के चलना है। ड्रॉप करोगे तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा इस प्लेयर को। सोहेल चौधरी हैं, ये दोस्तों लास्ट के कुछ मैचेस से बॉलिंग इनको टीम प्रेफरेंस कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन दोस्तों मुझे पर्सनली ये प्लेयर उतना खास नहीं लगता, लेकिन दोस्तों इसको लेना पड़ जाएगा क्योंकि इसको टीम बॉलिंग के लिए प्रेफरेंस देता है, एक से दो ओवर की बॉलिंग ये कर रहा है, साथ ही दोस्तों ये दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ जाता है, तो बिल्कुल इसको लेकर के चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चंद्रा भौमिक है, इनको ड्रॉप करके चलेंगे दोस्तों। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेगा ये प्लेयर, तो मुझे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है प्लेयर, ठीक है, लेकिन विकेट कीपिंग सेक्शन से चाहो तो लेकर के चल सकते हो। रिफत जनरल को भी ड्रॉप करके चलूँगा आज के मैच में, क्योंकि इनको भी मुझे नहीं लगता कि टीम प्रेफरेंस देगा, अगर बॉलिंग दे दिया तो बात अलग है, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इनको बॉलिंग भी मिल सकती है आज के मैच में। बाकी आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से लेना चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से लेकर के चल सकते हो। रिफत इस्लाम है, 11 इनिंग के अंदर दोस्तों 11 विकेट का रिकॉर्ड रखता है ये, इसको उतना ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है, एक मैच में ही एक विकेट यहाँ पे लिया है दोस्तों, ठीक है, एक ओवर दिया गया था। बाकी दोस्तों आप लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, टीम कभी भी इसको बैक कर सकता है बॉलिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों ए भुइयान आएंगे, ए भुइयान का देख सकते हो अभी तक बेहतरीन इनको परफॉर्मेंस दिया गया है और मौका भी उतना ही मिल रहा है, तो बिल्कुल ए भुइयान को लेकर के चलेंगे, दो ओवर की बॉलिंग ये करता हुआ दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल ए भुइयान आपके टीम में होना चाहिए दोस्तों। साइफुल हीरा हैं, खेलेंगे तो एक से दो ओवर की बॉलिंग इनको भी दिया जाएगा टीम की तरफ से, तब इनको प्रेफरेंस दे सकते हो क्योंकि कभी भी इनको बॉलिंग दिया जा सकता है, ठीक है। कुछ मैचेस ऐसे भी हैं जिसमें डिड नॉट बॉल रहे हैं ये प्लेयर, ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ मैचेस ऐसे भी हैं जिनको पूरा पूरा मौका दिया गया है, तो साइफुल हीरा एक डिफरेंशियल पिक बन जाते हैं ग्रैंड लीग्स के अंदर, तो ले सकते हो इनको। अली अब्बास हैं, इनको भी एक से दो ओवर की बॉलिंग मिल जाता है टीम की तरफ से, तो इसको भी अगर ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना चाहो तो लेकर के चल सकते हो। कोई नहीं जानता कि टी20 में किसको दो ओवर की बॉलिंग मिलेगा, तो ये चीज़ आप बिल्कुल माइंड में रख करके टीम बनाना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मुजैम हुसैन है, लास्ट मैच में लाइनअप में आए थे लेकिन उनको बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं दिया गया था, चार इनिंग के अंदर 6 विकेट का रिकॉर्ड रखता है ये, शायद इस मैच में अगर खेलेंगे तो टीम इनको प्रेफरेंस दे दे। बाकी दोस्तों यहाँ से जो आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखो शरीफ रेहान है, अनिक अहमद है, मोहसिन अहमद हैं और सोहेल चौधरी, इनको तो लेकर के चलेंगे चार प्लेयर को। बाकी दोस्तों नीचे से जो आपके लिए होने चाहिए ए भुइयान है, इनको लेकर के चलेंगे, और एक प्लेयर दोस्तों यहाँ से बॉलर, कोई भी अगर बॉलर खेले, साइफुल हीरा, अली अब्बास, इनमें से किसी भी को भी लेकर के चल सकते हो अपनी टीम में। इनके बेंच प्लेयर की तरफ आते हैं, तो एक बेंच में जो जितने भी प्लेयर्स हैं इनके रिकॉर्ड आप देख लो, ताकि यहाँ से कोई भी खेले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इब्रार सलीम जैसे प्लेयर खेलेंगे तो इनको रख लेना, दो ओवर की बॉलिंग इनसे करवाता है टीम। बिलाल हुसैन जैसे प्लेयर्स हैं, इमाम उल मरूफ हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, तो इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप देख लो सभी प्लेयर्स के। बात करें स्टार्टिंग के ओवर की, तो अली अब्बास हैं, अनिक अहमद हैं, डेथ ओवर्स की बात करें तो अनिक अहमद हैं, ए भुइयान है दोस्तों, आपको डेथ के ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करें एक डेमो टीम की,
तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको देखेंगे आर उमायंगा, इनको लेकर के चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। एस चौधरी को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों टीम इसको इतना वो हाइड एंड सीक वाली स्थिति में रखता है कि कभी भी इसको बॉलिंग करके फ्रंट में ला देता है, कभी बॉलिंग नहीं देता, तो इसको लेकर के चलना पड़ेगा, वरना दोस्तों 88% सिलेक्शन है, रैंक बहुत डाउन हो जाएगा इसके वजह से अगर इसको प्रेफरेंस मिल गया। तो दो प्लेयर्स तो विकेट कीपिंग सेक्शन से अभी लेकर के चल रहा हूँ, बाकी बैटिंग सेक्शन से इंडिका शेन है, इनको लेकर के चलूँगा, और नीचे से दोस्तों अगर आई अलमरूफ खेलेंगे तो इनको लेकर के चलूँगा, बाकी अभी तो लास्ट मैच खेले नहीं थे तो ड्रॉप करते हैं। अभी एम अहमद हैं, इनको लेकर के चलेंगे, शरीफ रेहान है, फुलून है, लास्ट मैच खेले थे, इनको लेकर के चलूँगा, अनीक अहमद है दोस्तों, ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, इनको लेकर के चलेंगे, टी पोर्तू तक हैं, इनको भी अपनी टीम में लेकर के चलूँगा। तो ये पांच प्लेयर अभी के लिए ऑलराउंडर सेक्शन से लेता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों एस कनकन गमे हैं, ठीक है, इनको लेकर के चल सकते हो आप अपनी टीम में, लेकिन दोस्तों अभी के लिए मैं इनको प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ आता हूँ। और यहाँ से दोस्तों मैं सबसे पहले तो ए भुयन को लेकर के चलूँगा, क्योंकि इनको दो ओवर की बॉलिंग मिलना ही मिलना है अगर ये खेलेंगे तो। उसके बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, अगर अली अब्बास खेलें तो इनको लो, एस सीरा खेलें तो इनको लेकर के चलो, आपकी मर्जी रहेगी, आप किसी को भी लेकर के चल सकते हो दोस्तों अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों ये मेरी टीम बन रही है, और ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम दोस्तों मैं आपको दूंगा आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे अनीक अहमद हैं, शरीफ रेहान हैं, इंडिका सेन हैं आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहेंगे। एम अहमद हैं, अगर दोस्तों इनकी टीम पहले बैटिंग करे तो इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हो आप लोग। उमायंगा भी हैं दोस्तों, वाइस कैप्टनसी भी आप इसको दे करके चल सकते हो, आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों जो मेरी स्मॉल लीग की टीम रहेगी मैं दूंगा आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।